भाई कल का अगर आपने द कपिल शर्मा शो का एपिसोड मिस कर दिया तो भाई आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। जी हाँ, वो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिसने ये एपिसोड देखा सभी हंस हंस कर लोटपोट हो गए। पहली बार आप देखेंगे कि हमारे पवन भैया इन शो में हंस हंस के भाई उनके आंखों से आंसू निकल आ रहे थे। जी हाँ, वो इतना हंसता हुआ पवन सिंह को शायद ही आपने कभी देखा होगा। वैसे हम आपको यहाँ आज बताने वाले हैं इस शो का रिव्यू, तो आप जान लीजिए। पहली बात, कल इस शो को बिग बॉस शो से भी ज्यादा देखा गया, ये पवन सिंह के फैंस के लिए और पवन सिंह को चाहने वाले, साथ ही साथ भोजपुरी को ज्यादा पसंद करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि कल भोजपुरी का तड़का जब द कपिल शर्मा शो में लगा उसकी टीआरपी भाई बिग बॉस से कहीं ज्यादा थी। वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि पवन सिंह एक ऐसे कलाकार हैं जो ऐसे शोज में जाते नहीं है, यानी कि ज्यादातर रियलिटी शोज में वो नहीं जाते, लेकिन द कपिल शर्मा शो के लिए पवन सिंह ने इसलिए हामी भरी क्योंकि उनके फैंस और उनके करीबी काफी दिनों से चाह रहे थे कि द कपिल शर्मा शो में पवन सिंह जाए और अपनी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा करे जो अब से पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। वैसे यहाँ पर आपको हम बताते हैं, जैसे ही पवन सिंह ने एंट्री मारी, लॉलीपॉप गाना बजा, लोगों ने इतना डांस किया कि आप ऑडियंस में देखते तो बैठी हुई ऑडियंस अलग डांस कर रही थी और फ्लोर पे आकर लोग अलग डांस कर रहे थे। साथ ही साथ आपने अगर नोटिस नहीं किया है तो नोटिस कीजिए, जिस तरह से पवन सिंह आ रहे थे ठीक उसी अंदाज में कपिल शर्मा भी गा रहे थे। जी हाँ, कपिल शर्मा भी लिप सिंक कर रहे थे और इससे साफ पता चल रहा था कि कपिल शर्मा इस गाने के कितने बड़े फैन हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इस शो में निरहुआ आम्रपाली, निधि झा और काजल राघवानी आते हैं, इस शो में चार चांद लग जाता है। ये सब इतना कुछ अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है कि ये शो चलता रहे, क्योंकि काफी ऐसी बातें हैं जो निकल कर सामने आई। और वैसे आपको यहाँ एक बात और बता दें कि बहुत कम मौका मिलता है जब भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को ऐसा मंच मिले। ज्यादातर भोजपुरी स्टार जहाँ जाते हैं गाते हैं बजाते हैं और चले आते हैं, अपने बारे में अपनी फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता पाते, इसलिए शायद ये न्यूज में भी कम रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो भाई यहाँ पर गाना बजाना तो भरपूर हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे किस्से सामने आए कि जिसे सुनने के बाद सभी की हंसी छूट पड़ी। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जब भोजपुरी तड़का लगेगा कपिल शर्मा शो में तो वो तड़का इतना ज्यादा जायकेदार होगा कि ये सभी को पसंद आएगा। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं है, इसकी पहले भी द कपिल शर्मा शो में निरहुआ दो बार आ चुके हैं, ये तीसरी बार उनका आना है। निरहुआ से काफी वाकिफ है लोग वहां पर, लेकिन भाई आप जब पवन सिंह की बात करेंगे तो भाई शेर बंदा है। भाई यहाँ क्या आपने एक बात और नोटिस की, उनके गानों की यानी कि पवन सिंह के गानों की इतनी दीवानगी थी लोगों के बीच कि पवन सिंह को बार बार उठना पड़ रहा था गाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जब भी कुछ गाना होता ऑडियंस इतना ज्यादा स्क्रीमिंग करती कि पवन को वो गाना और आगे गाना पड़ता। साथ ही साथ सोने पे सुहागा ये हो गया कि पवन गा रहे थे माई के दुलारुआ बिगड़ गए और निरहुआ बहुत ही बेहतरीन डांस कर रहे थे। साथ ही साथ पवन सिंह को आम्रपाली और काजल राघवानी दोनों का साथ भरपूर मिल रहा था। भाई पवन सिंह माहिर हैं, अगर किसी का साथ मिल जाए तो उस शो में जान डाल देते हैं। वैसे यहाँ पर द कपिल शर्मा शो में बहुत ही डिफिकल्ट होता अगर अकेले पवन सिंह आते। अब आप ये बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि पवन सिंह बहुत कम बोलते हैं, जो लोग उनके साथ रहते हैं वही उनके बारे में सभी को बताते हैं, जैसे कि पवन सिंह के डर के बारे में, उनके फ्लाइट के डर के बारे में, फिर पवन सिंह के इंग्लिश के बारे में, फिर पवन सिंह के उन गानों के बारे में जो कि पवन सिंह का बहुत फेवरेट है, वो भी पवन सिंह जल्दी किसी से शेयर नहीं करते। अब जब भाई कोई किसी से कोई चीज शेयर नहीं करेगा तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो उसकी फेवरेट चीज है या नहीं।
वैसे यहाँ पर आम्रपाली, निधि झा और काजल राघवानी की भी बातें हुई। यहाँ पर तीनों हीरोइनों ने भी अपनी बातें रखी, लेकिन अमूमन ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम होता है कि हीरोइनों की बात रखी जाए, लेकिन यहाँ तीनों हीरोइनों ने अपनी खुलकर बात रखी और उनके बातों को मजाकिया लहजे में कपिल शर्मा ने इस तरह बयां किया कि सभी को हंसी आने लगती। छोटी छोटी बातों को भी इतनी बड़े ढंग से बताया जा रहा था कि वो बातें अगर कोई गौर नहीं भी करता तो भी कपिल शर्मा उसे गौर करा देते। वैसे ये सारा शो एक नंबर था। अगर 5 out of रेटिंग देने को कहा जाए तो भाई 5 out of 5 है ये शो। यकीन है आप सभी को ये शो बहुत पसंद आया होगा। आप जिसके भी फैन हो, चाहे पवन के हो, निरहुआ के हो, आम्रपाली के हो, निधि के हो या काजल राघवानी के, अगर आपको ये पूरा एपिसोड, द कपिल शर्मा का पूरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो भाई ठोकिए लाइक। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।